महानगर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोला हल्ला बोल, निकाली पदयात्रा। स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर सोमवार को कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र सिंह की अगुवाई में बढ़ती महंगाई के विरोध में बैनर तले कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, जहां भाजपा सरकार को जमकर कोसा गया। जगह जगह नुक्कड़ सभा की गई। नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष निर्मला भारती ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं, आए दिन हत्या छिनैती बलात्कार की बाढ़ आ गई है। वहीं प्रदेश में बढ़ती महंगाई से प्रदेश की जनता त्रस्त है। बुआई के समय सागन सहकारी समितियों से DAP खाद नदारद है। किसान बाजारों में अधिक मूल्य पर खाद बीज लेने को मजबूर हैं। प्रदेश के किसानों का बिजली मूल्य कमर तोड़ दिया है। जिला उपाध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ हो, बिजली का बिल माफ हो, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। समापन करते समय ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने उपस्थित जनता से कहा कि कांग्रेस हित प्रियंका द्वारा किए गए घोषणाओं का अमल होगा। प्रदेश में परिवर्तन का समय आ गया है। आप लोग कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। वह देश में व प्रदेश में कांग्रेस की ही ऐसी एक पार्टी जो कहती है वह करती है। इस दौरान अली हसन आजमी, अशोक सिंह, गुलशन, रोहित वर्मा, राजेश कुमार, साहबराज सिंह, प्रीति, जसवंत सिंह नागा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। किसान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सारे बात हमारे साथियों लोग ने कह दिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में सभी बातें रख दिए हैं। कहने की ये बात है कि आज की डेट में पूरे देश प्रदेश एकदम परेशान है, सारे हिंदुस्तान परेशान है। और जाइए देखिए, चट्टी चौराहे गांव गिराव कहीं भी पूजा करने के लिए लोगों के जेब में पैसे नहीं रहते हैं। ये कहां गए, ये दुनियादारी कहां गई? तो हमारे सोचने और विचारने में यही लगता है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी आई है, ये पैसों पे खाली खेल खिला के लोगों को जान ले रही है। तो पैसे हर चीज नहीं होते हैं, जनता ही बहुत कीमती चीज है। जनता को खिलाने में प्रधानमंत्री बहुत माहिर है। ऐसा क्यों करते हैं? अभी देखिए जहानागंज में उनका रैली हुआ था, सुनने में आया था कि 40 लाख रुपया लोगों को देकर वहां भीड़ जुटाई गई थी। ऐसा क्यों करते हैं? समाज में खेल खिलौना क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज एक बहुत बड़ा साथ सम्मान देने का काम करती है, उनको बेइज्जत के और गिराने का काम क्यों करते हैं? मैं यही अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, इसका जवाब मुझे चाहिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। हिंदू युवा वाहिनी का बलना ब्लॉक का अध्यक्ष था और हिंदू वाहिनी मेरे को हनुमान के रूप से जाना जाता था, लेकिन इस भाजपा के नीतियों और कुर्तियों के कारण मैं त्रस्त होकर महंगाई, भ्रष्टाचार और ये देश जोड़ने का काम नहीं, जो तोड़ने का काम करते हैं। कल हिंदू मुस्लिम के नारा दे के हमारे देश को तोड़ने का काम करते हुए रहते हैं ये योगी जी और मोदी जी। हम देश के में भूखे मर जाएंगे तब देश रह के क्या करेगा? आज पूरा देश, पूरा पब्लिक भूखे मर रही है, किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, कपड़े की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये लोग बोलते हैं देश बचाओ। ये लोग क्या देश बचाएंगे जब देश में हम नौजवान को नौकरी नहीं है, हम नौजवानों को कोई सुविधा नहीं है। तो हम नौजवानों से ये आह्वान करता हूँ कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना भाजपा का दिल में है। जिस और जवानी चलती है उस जोर जमाना चलता है। इसी के साथ हम कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों तक ले जाने के लिए दिन रात मैं मेहनत करूंगा और जमीनी स्तर से इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस का एक सामान क्या करता, जब से भाजपा सरकार इस देश में आई है तब से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर होने वाला अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है। आज हम सभी मेयर विधानसभा के लोग प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर इसी क्रम में भाजपा हटाओ महंगाई हटाओ के क्रम में विधानसभा मेयर के लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं।
और मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं कि आप इस सरकार को 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश स्तर पर और आगे आने वाले लोकसभा स्तर पर ऐसी निकम्मी और भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंके, ये मेरा आप सभी लोगों से आवेदन है और निवेदन है। धन्यवाद।